एनसीईआरटी की गणित के सीरीज में आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ में गणित कक्षा 6 की, जहां पर आज अध्याय 7 इसमें पढ़ेंगे हम लोग भिन्न अध्याय को, हम लोगों ने एक एक क्रमवार उससे लेकर आपके लिए चल रहे, जहां पर आज का जो अध्याय आपके लिए काफी अहम और काफी इंपॉर्टेंट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस से और एनसीईआरटी से ही हम अपने सफर की शुरुआत करेंगे और सफर का अंत भी एनसीईआरटी के माध्यम से करेंगे। और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना एक उद्देश्य है, उसके साथ हम गणित की जो उन महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक से लेकर आएंगे जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल आते हैं। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी की अगर प्रयास करें तो थ्योरी में हम लोग एनसीईआरटी को फोकस करेंगे, और यहां पर गणित अध्याय 6 भिन्न है और ये निःशुल्क क्लास मेरे द्वारा आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में बने रहेगा पूरी सीरीज में। अब भिन्न देखते ही आपके दिमाग में आ जाता होगा, या नोमिनेटर डिनोमिनेटर की बात होगी, अंश और हर की बात होगी, तो मैं कम छोटा सा परिचय देता हुआ चल रहा हूँ। एक तरह से अगर भिन्न की बात करें तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, ये होता है अंश और इसके बटे होता है हर। तो यहाँ पर ये बातें अगर आप लोग को समझ में आ रही होंगी, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो और कुछ बातें समझते हैं। जैसे यहाँ पर है ए और बी, इसको पढ़ते हैं ए बटा बी। इसे पढ़ने का जो तरीका है ए बटा बी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर एक लिखने की बात करें, इस ए बटे बी को हम लिखें तो ए डिवाइडेड बाई बी, ये भी इसका सही है। मतलब हम अगर ए डिवाइडेड बी है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए बटा बी। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर हम बात करें तो ए अनुपात बी, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो लेकिन इन सभी को जो पढ़ने का तरीका है, हम एक लाइन में अगर हम बात करें इसे हम पढ़ेंगे ए बटा बी, जहां पर ए हमारा अंश होगा और बी हमारा हर होगा। पूरी थ्योरी इसी पर चलेगी। आपके सामने कुछ भिन्न दिख रहे होंगे, ऐसे 1/4, 1/2, 1/23, 1/5, 1/6, 1/8, 1/12, तो ये कुछ भी हो सकता है। 7/5 ऐसे नहीं कि हर बार अंश एक ही हो, अंश कोई भी रखा जा सकता है, हर भी बदल सकता है। कई बार अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है, कई बार हर बड़ा होता है अंश छोटा है। इन सभी बातों पर हम लोग आगे पढ़ेंगे, तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। फिलहाल ये एनसीईआरटी के सीरीज में आप सभी बने रहेगा। सबसे पहले मैं जान लेते हैं भिन्न के अगर अर्थ की बात करें तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि भिन्न का भैया वास्तविक अर्थ है क्या आखिर। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक भिन्न का अर्थ है कि एक समूह अथवा एक क्षेत्र का भाग, माने एक समूह का अथवा एक क्षेत्र का भाग, जैसा ऊपर मैंने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया और बताने का प्रयास किया था। 5/12 भिन्न है, हम 5/12 भी कह सकते हैं। 5/12 एक भिन्न है, इसे 5/12 के नाम से भी बुला सकते हैं और हम इसे 5/12 पढ़ते हैं। 5/12 को हम इस तरह से जैसे यहाँ पे है 5/12 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे है 5/12, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए अनुपात बी ए रेशियो बी, सॉरी ए रेशियो बी, मेरे दिमाग में बी चल रहा है, 5:2। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, गलत नहीं है। ये आगे एक सीरीज में आपके काम आएगा जब हम क्रमवार रूप से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमने देखा भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भी भाग निरूपित करती है। जैसे भिन्न एक ऐसी संख्या जो किसी संपूर्ण चीज का कोई एक भाग निरूपित करती है, मैंने पूरे संपूर्ण चीज का पूरा कोई एक भाग निरूपित करती है, बताती है, समझाती है। जैसे एक सेब के चार भाग किए जाते हैं, जैसे एक सेब है उसके चार भाग किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए एक ब्रेड है, एक रोटी है या कुछ भी है, उसके एक चार पार्ट किए जा रहे हैं, उसके एक हिस्से को हम निकाल दिया गया तो उसमें 1/4 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि शेष भाग को 3/4 के रूप में इंगित करता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए 1/4 एक हिस्सा यहाँ का जो था वो निकाल दिया गया, मतलब 1/4 यहाँ पर निकल गया। तो जो 1/4 को हमने निकाल दिया, जो शेष हिस्सा है 1/4, 2/4, 3/4, ठीक कितना हो जाएगा 3/4, क्या हो जाएगा 3/4। अब आपके मन में आएगा 3/4 कैसे बचा, अब इसको हम जोड़कर जान पाएंगे कैसे हमारा बचा। तो यहाँ पर हमने देखा 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4। अब यहाँ पे देखेंगे अंश बराबर है, अंश क्या है बराबर है, जब अंश बराबर है तो हमने लिख दिया 4, और हर बराबर है तो अंश का जोड़ होगा, जोड़ घटाओ करेंगे घटाओ, इसका एलसीएम हमें नहीं निकालना है। 1/4 जोड़ना है, 4 हमारा हर है, हर हमेशा अगर बराबर है तो उसका एलसीएम हमें नहीं निकालना होता है, मतलब एलसीएम की बात होती है, एलसीएम नहीं निकालना होता, हर में हम 4 लिखेंगे। ऊपर हम लिखेंगे a धन a बराबर 3/4, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो 3/4 के रूप में इंगित कर सकते हैं, और जो हिस्सा अलग है प्रदर्शित है, जो हिस्सा कट कर निकाल लिया गया वो 1/4 हो। ऐसे भिन्नों में आगे भी देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ही हम यही ले लेते हैं, चलिए आगे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर है एक रोटी है और यहाँ पर इसके हम दो टुकड़े कर देते हैं, एक टुकड़ा को हम कलर कर देते हैं, ठीक क्या हो गया 1/2 कलर्ड है और 1/2 खाली भी है,
एक बटे दो इसे क्या पढ़ेंगे, एक बटे दो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ये हो गया, और आगे अगर हम देखें तो इसके हम कई डायग्राम बनाते हैं। काम करते हैं पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि भिन्न जो है ना वो आपको थोड़ा समझ में आए, भिन्न को प्रदर्शित कैसे करते हैं, ताकि आपको जो समझना है वो थोड़ा सा आसान हो जाए, और हम और आसान भाषा में कोशिश करेंगे आपको समझाने का। हम देखिए इसको समझाने का प्रयास करेंगे आपसे। अब एक मिनट रुकेगा, इसका हम बैकग्राउंड, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बैकग्राउंड हम यूं ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे एक छोटा सा हम सर्कल ले लेंगे। सर्कल भग रहा है, कुछ सर्कल ले ले रहे हैं, हाँ ठीक है, ताकि आपको समझाया जा सके इसलिए हमने इस सर्कल ले लिया। इस तरह से हमने क्या किया, कुछ सर्कल्स ले लिए हैं, ये हो गया हमारे सर्कल्स। इसको हम समझाने के लिए आपको भिन्न हमको समझाना है इसलिए हमें इन सर्कल का प्रयोग करना पड़ सकता है। आइए अब हम इन सर्कल की तरफ बढ़ते हैं और हम इनके पूरे प्रयोग को देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, हमने कलर कर दिया, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसे लिखने का तरीका मुझे जो आपको समझाना था, एक हिस्सा कलर है तो पूरा टोटल कितने हिस्से हैं, दो हिस्से, तो जो हर होगा इसको लिखेंगे हम एक बटा दो, माने टोटल दो कलर है और एक इसमें क्या है कलर है। अब अगर हम इसको यहाँ पे चार हिस्से में डिवाइड कर दें, एक हिस्सा कलर है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ऊपर एक कलर है टोटल चार, माने एक में चार भाग क्या हुआ है, कलर हुआ है। अगर उसी तरह यहाँ पे आए, मान लो ये कलर है, मान ठीक कितना हिस्सा कलर है, मतलब कितने पार्ट, एक दो तीन पार्ट, तीन पार्ट इसमें कलर है, टोटल कितने में से, चार में से। अब उसी तरह अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, देखिए मुझे बस यही आपको समझाना था ताकि आप इस चीजों को समझ सकें। अब यहाँ पे दो हिस्सा कलर है तो उसको कैसे लिखेंगे, ये जो आपका भिन्न बनेगा, ये दो हिस्सा कलर है टोटल कितना है चार, इसे हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम तथ्यों को समझते हैं। अब अगर इसी सीरीज में हम और आगे चले, तथ्य को और पहचानने का प्रयास करें और जानने का प्रयास करें, तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे कितने हिस्से हैं, अब आठ है। अब हमने क्या किया, इसको कलर कर दिया, हमने एक कलर लिख दिया, अब बाकी बचा हिस्सा कितना है, टोटल कितना था, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। अब इसको हम पढ़ेंगे एक बटे आठ, माने एक हिस्सा कलर है टोटल कितने में से, आठ में से। अब उसी तरह यहाँ पे बना सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए कितना हिस्सा कलर है, तीन हिस्सा, यहाँ लिखेंगे तीन, पूरे का बेटा कितने में है, आठ में है। इस तरह हमने देखा कि इस तरह हम कलर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे छह हिस्सा है, ठीक, मान लीजिए छह बराबर पार्ट में ये और ये हिस्सा मैंने कलर कर दिया और ये हिस्सा मैंने कलर कर दिया, ठीक, तो तीन हिस्से कलर हो गए, कितने में से टोटल कितने पार्ट अच्छे हैं, तो तीन बटे छह। तो इस तरह से हम भिन्न को समझेंगे, इस तरह से हम भिन्न को जानने का प्रयास करेंगे। कई बार आप लोग कहेंगे सर क्या सर्कल में ही ऐसा हो सकता है, क्या इस तरह से अगर हम बनाएं क्या इस तरह से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे ये है। अब हम देखेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, इसका जो हर होगा वो तो आपको क्लियर होगा कि तो बारह ही होगा, हर क्या होगा इसका बारह होने वाला है, लेकिन अगर इसके अंश की बात करें, इसका अंश कितना होगा, जैसे जितना हम कलर कर देंगे, जैसे हमने क्या किया, इसके छह पार्ट को कलर कर दिया या सात हिस्से को कलर कर दिया, क्या हो गया सात, ये हो जाएगा सात बटे बारह, क्या हो जाएगा सात। जो हिस्सा कलर्ड है वो अंश में होता है, जो टोटल होता है वो हम लिखते हैं हर में, माने अंश हमेशा कलर्ड हिस्सा होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं अगर यहाँ पे समझाऊं तो अंश क्या है और यहाँ हर हो, तो अंश जो है रंग वाला भाग और हर क्या है कुल भाग, कुल भाग रंग वाला भाग। तो यहां पर ये चीजें आपको समझने को मिल गई, जो अंश जो हमने लिखा वो रंग वाला हिस्सा रखा है और जो हर है इसका वो हमने ऐसे रखा। जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे अगर आपको ये मिल गया, अब अगर इसमें हमने एक हिस्सा दो हिस्सा और ये तीन हिस्सा कलर कर दिया या चार हिस्सा को कलर कर दिया, अब आपको इसमें पूछा जाए कि भैया जी आप बताइए इसको हम कैसे प्रदर्शित करें भिन्न के रूप में, इसको हम भिन्न के रूप में कैसे प्रदर्शित करें, तो आप कहेंगे सर अंश जो है हमारा अंश बटे हर होगा, तो अंश जो होगा रंग वाला हिस्सा होगा, रंग वाला हिस्सा,
रंग वाला भाग या कलर वाला भाग, नीचे होगा कुल भाग, कुल भाग। अब इससे आप आसानी से समझ पाएंगे कितना है, तीन है, तीन कलर है, कुल कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, हो गया 3/10। तो इस प्रकार से हम और आप इसको समझेंगे कि भिन्न का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हर और अंश को समझना। वैसे एक आपको जवाब देना है, मैं यहाँ पे बनाने का प्रयास करूंगा कि आप इसे जवाब दें ताकि हमें ये समझ में आए कि हाँ यार आपको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आपको इसके बारे में बताना है कि यह इसके अगर हम वैल्यू के रूप में लिखेंगे तो यह कितना लिखा जाएगा। अब इसे भिन्न के रूप में व्यक्त करना हो तो आप क्या होगा, इसमें कलर हिस्सा मैंने बता दिया, ये कलर है, वैसे में मुझे रंग भर के बताना चाहिए था लेकिन फिलहाल ये कलर हिस्सा है, इस भिन्न को आपको बताना है, ये मेरा आपसे सवाल। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। अब हम इसके तथ्य की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है। अब हमने देखा कि भिन्नों के विभिन्न रूप, अब भाई भिन्न के विभिन्न रूप देखते हैं जो आपको लिखना है, जहां जरूरत पड़े स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा या अगर हमारे साथ नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िएगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर है उचित भिन्न, अंशों का परम मान उनके हर के परम मान से कम होता है, जैसे इसमें क्या होता है अंश का मान छोटा होता है हर बड़ा होता है। यहां से समझिएगा कि उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न में ध्यान दीजिएगा, उचित भिन्न एक लाइन में अगर हम समझे, उचित भिन्न अगर एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए इसमें क्या होगा, अंश छोटा होगा, अंश छोटा होगा, अंश का मान ऐसे लिख दीजिएगा ना, आप लोग कहेंगे सर ये बता क्या है, आप लोग नोट्स बना रहे लिख लीजिएगा, ऐसे ये नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ में। अंश का मान जो होगा ये होगा आपका छोटा, और हर का मान क्या होगा, हर का मान बड़ा, ये किसके, ये एक दूसरे की अपेक्षा, माने ये किसके अपेक्षा देखा जाए, अंश की अपेक्षा, ठीक है, और ये ऊपर वाला हर की अपेक्षा, ये आप समझ लीजिएगा कहने का मेरा सेंस क्या है। जैसे यहां पर है 17/31, 17/31 क्या है, ये कौन सा भिन्न का उदाहरण है, ये उचित भिन्न का उदाहरण है, किसका है, उचित भिन्न का उदाहरण है, मतलब जिस भिन्न का अंश हर की अपेक्षा छोटा हो या अंश छोटा और हर बड़ा हो उस भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। कौन से भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं, 1/4, 1/5, 3/7, 3/9, 3/11, तो इस तरह के जो भिन्न होते हैं इन्हें उचित भिन्न के नाम से हम जानते हैं और समझते भी, और आगे आपको इसके बारे में पढ़ना भी है। ठीक है, अब हमने देखा विषम भिन्न, अब विषम भिन्न इसका ठीक उल्टा होता है, अगर विषम भिन्न पूछ लिया जाए तो विषम भिन्न क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। अब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं विषम भिन्न, विषम भिन्न ठीक इसका उल्टा होता है। यहां पे अगर बात करें अंश जो होगा, अंश का मान जो होगा, अंश का मान बड़ा होगा, बड़ा, यहां पे हर छोटा होगा, हर का मान छोटा हो, इस प्रकार के भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो 17/4, तो यहां पे देखिए अंश बड़ा है हर छोटा है, एग्जांपल में सकते हैं 27/16। अब यहां पे हम देखते हैं हर का मान छोटा है, अंश का मान बड़ा है, इसे हम विषम भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न में अंश छोटा हर बड़ा, विषम भिन्न में अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा होता है। एग्जाम्पल यहाँ 5/8 है, 8/3 है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं यहां तक का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है मिश्रित भिन्नों के दो भाग होते हैं, एक भाग पूर्ण संख्या होता है और एक भाग उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न समझ रही है, अब यहां पर ये समझना है कि मिश्रित भिन्न क्या होता है। एक जो होता है पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या का मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और दूसरा उचित भिन्न होता है, माने अंश जो होता है हर से छोटा होता है। जैसे इसको एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं 4/3/5, ये हो गया हमारा मिश्रित भिन्न, ये एक पूर्ण संख्या हो गई और ये 3/5 है यह एक उचित भिन्न है, माने इसका अंश छोटा है हर बड़ा है। आगे अगर हम लेंगे जैसे 8/9/11, तो ये भी क्या हो गया, एक मिश्र भिन्न का उदाहरण है, क्या है,
मिश्र भिन्न का उदाहरण है। इसमें देखिए एक पूर्ण संख्या हो गई, दूसरी उचित भिन्न हो गई। उचित भिन्न में अंश छोटा, हर का मान बड़ा होता है। तीसरा अगर हम लेते हैं जैसे 117, जैसे 117 सही 13/19, 117 सही 13/19, यह भी क्या है, एक मिश्र भिन्न का उदाहरण है। इसमें एक पूर्ण संख्या जो सही बटा होती है, उसके बाद जो भिन्न होता है वह उचित भिन्न होता है 13/19। इसका हर हमेशा बड़ा होता है अंश की अपेक्षा उचित भिन्न की तरफ। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट करिएगा, या इसको लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, ताकि हम इस वीडियो सेशन में आगे बढ़े। जब हम थियरी के सेशन लाएंगे तो वहां पर हम इन तथ्यों को, इन चीजों को हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बार बार कहेंगे सर मुझे यही चीजें पढ़ाइए, तो मैं ये बार बार चीजें, एक ही चीजें नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तथ्य पूरा रहेगा, तो हमें पढ़ने समझने में चीजें काफी आसान हो जाएंगी। आप इसकी स्क्रीनशॉट पूरा पूरा ले लीजिएगा। एक है तुल्य भिन्नों की राशियां समान होती हैं। जैसे तुल्य भिन्न क्या होती है, आइए उसे भी हम आपको समझने का प्रयास करते हैं। ये तुल्य भिन्न क्या होती है, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि तुल्य भिन्न क्या होता है। देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न। अगर तुल्य भिन्न की अगर हम बात करें, जैसे यहां पर दे दिया जाए छोटा सा एग्जाम्पल, 3/4 का तुल्य भिन्न निकालना, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई सवाल दे दिया तो 3/4 का तुल्य भिन्न क्या होगा, इसे अंश और हर में अगर एक संख्या से गुणा करेंगे ये हो गया 3/4, फिर इसी 3/4 को हम अंश और हर से 2/2 से गुणा करेंगे। अंश और हर में अगर समान संख्या से गुणा करते हैं, इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आता और इसके परिणाम में भी कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। तो ये चीजें आप लोग को जानना है, ये चीजें आपको समझना है। अब ये क्या हो जाएगा, 6/8 क्या हो गया, एक दूसरे के तुल्य भिन्न हो गए। कौन से हो गई, एक दूसरे के ये तुल्य भिन्न हो गई। अगर हम इसी को और आगे देखें, तब जैसे यहाँ पे है 3/4 है गुणे 3/3, अंश और हर में समान पदों से गुणा करना है, एक ही संख्या से अंश और हर में गुणा करना है, क्या हो जाएगा 9/12। ये क्या है, यह इसके समतुल्य भिन्न, ये क्या इसके समतुल्य भिन्न, चलिए इसको क्या कहते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं। अब जैसे 3/4 है, अब यहाँ 7/7 से गुणा करें, किसी भी संख्या से गुणा करें, अंश हर एकदम मतलब अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करना है, यहाँ 21/28, तो ये भी क्या हो गई, एक तुल्य भिन्न हो गई। तो हमने देख लिया कि तुल्य भिन्न क्या होती है, ठीक है, एक क्रम में चलते जा रही है। आगे अगर हम देखेंगे, अब हमें और चीजें जानने को मिलेंगी। हमने तुल्य भिन्नों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, तुल्य भिन्नों की राशियां समान होती है। यदि क बटे ख में यदि ख बड़ा हो तो उचित भिन्नों के, अच्छा देखिए मैंने ये बता दिया, जैसे अब यहाँ पर फिर से एक लाइन में अगर लिखना हो समझना हो तो तुल्य भिन्न को हम समझ सकते हैं। उचित भिन्न क्या था, उचित भिन्न हम लोगों ने पढ़ा, याद होगा आपको उचित भिन्न, उचित भिन्न में एक लाइन में अगर हम पढ़ें तो जो अंश होता है, अंश हमेशा क्या होता है, अगर हम बात करें यहां जो उचित भिन्न हम लोगों ने पढ़ा उसमें अंश हमेशा हर से, देखिए ऊपर हम लेकर आए था वो एक लाइन में यहाँ पर हमने बताया हुआ था और ऊपर भी हम देख सकते हैं कि उचित भिन्न में क्या होता है, अंश जो है छोटा होता है, किसके अपेक्षा, हर के अपेक्षा। तो यहां अगर हम देखें उचित भिन्न जो है, अंश क्या होता है, छोटा होता है किस, हर से, यही मैं ऊपर समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब हम और आगे देखेंगे, विषम भिन्न की अगर हम बात करें, विषम भिन्न की बात करें, इसमें भी क्या होता है, अंश जो है बड़ा होता है, अंश क्या होता है, बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, हर से, अंश हर से बड़ा होता है, यह भी आपको समझना होगा। इसी सीरीज के साथ हम लोग और आगे बढ़ेंगे क्रमवार रूप से, ठीक है। यही यहाँ पे समझा रहा था जो कखा के रूप में था, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए मैंने इसको अलग से कर दिया। यदि किसी राशि को ख को ख बराबर भागों में बांटे और उनमें से क भाग ले ले तो उसमें से क भाग का पूर्ण राशि का क का भाग कहते हैं। चलिए इसको भी हम आगे समझते हैं। इस प्रकार यदि क राशि ले ले और उसके ख बराबर भाग करें तो प्रत्येक को एक राशि क ख भाग कहते हैं। दो संख्या और क का अनुपात को भी क का भिन्न व्यक्त किया जाता है। यदि एक भिन्न क का में क का रूप में बदल दे तो इस प्रकार बनी भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं कि मूल भिन्न को सरल भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5 सरल भिन्न है परंतु 3/4/7 मिश्र भिन्न के उदाहरण है। चलिए अब जैसे हम बात करें यहाँ पे, यही कह रहा है कि जैसे कोई भिन्न है, एक लाइन समझने का प्रयास, ऊपर मैंने बताया ये 3/4 ये उचित भिन्न है और इसे मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते, इसे मिश्र भिन्न में
नहीं बदला जाता, जिसका अंश जो होता है बड़ा होता है वो मिश्र भिन्न में नहीं बदली जाती, हमेशा विषम भिन्न जो होती है हम उसे मिश्र भिन्न में बदल पाते हैं, जो एक पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न के रूप में आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे 17/4, ये 17/4 एक विषम भिन्न का उदाहरण है, और इस विषम भिन्न के उदाहरण को अगर हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये हमारा 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 17 में, तो 4 चौके 16, 1 बचेगा शेष, तो 1 सही, जितनी बार जाएगा उसे अंश में रखेंगे, जो जिस संख्या से भाग दिए वो हमेशा हर में हो। कितनी बार गया, 4 चौके 16, 1 17 हुआ है, तो जितनी बार भाग जाएगा हम उसको सही बटा लिखेंगे। 4 बार गया, शेष को हमेशा अंश के रूप में लिखेंगे, जिस संख्या से भाग दिए 4 सही 1/4, तो 4 चौक 16, 1 17/4। अब यहां पर हमें मिल गई, यह एक मिश्र भिन्न मिला है। अब हमने विषम भिन्न को क्या था, ये विषम भिन्न था, विषम भिन्न हमेशा ये विषम भिन्न था। अब विषम भिन्न जो होगा उसे हम किस में बदल दिए, वो हमारा मिश्र भिन्न में बदल गया, मिश्र भिन्न में बदल गया। तो यहां पे आपको जानना जरूरी है कि किस तरह से हम लोगों ने इसे समझने का, सॉल्व करने का प्रयास किया, वही यहां पर समझाने के बराबर में क्या। अच्छा, यहाँ पे योगफल भिन्न को इसी तरह चला सकते, देखिए ये इसको छोड़ दीजिए, वितत निभिन्न कहते हैं, जैसे यहाँ पर है अंतर गुणनफल हो सकता है, जब भिन्न का हर भिन्न हो, जिसका हर फिर भिन्न हो, इसी तरह चलता रहे, तो भिन्न को हम वितत भिन्न कहते हैं। आगे भी देखते हैं, ये हमारा वितत भिन्न हो गया, ये क्या हो गया, वितत भिन्न हो गया, जब उसके कई हर हो उसे वितत भिन्न कहते हैं। आगे इसके बाद एक हर का फिर अगला हर हो उसे हम वितत भिन्न के नाम से जानते हैं, उसे भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, उसे भी हम आप लोग को समझाएंगे। जैसे यहाँ पर 3+1/4, ठीक है, फिर अब 1/4 हो गया, अब इसको पूरा बटा 2+5 हो गया, अब यहाँ पे पूरा आ गया, ठीक। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए आगे, तो ये क्या हो गया, ये वितत भिन्न का एक उदाहरण हो गया। भिन्न के भाग, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, ये क्या है, भिन्न के भाग। तो भिन्न के भाग जो होते हैं दो भाग होते हैं, अंश और हर, हमने ऊपर आपको समझा दिया। यहाँ पे देखिए अंश और हर दो भाग होते हैं, अंश और हर, ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, ऊपर हमने समझा दिया था, बटे क्या था, हर था, जैसे यहाँ पे लिखा था हमने a/b, उसी तरह x y है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। अंश की परिभाषा, अंश भिन्न का वह भाग होता है जो भिन्न के ऊपर लिखा जाता है, ये ऊपर मैंने आपको समझा दिया था। हर क्या होता है, 2/5 में 2 अंश, क्योंकि यह भिन्न के ऊपर लिखा जा रहा है, और हर के लिए हर की परिभाषा, हर भिन्न का वह भाग होता है जो भिन्न के नीचे लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे 2/5 हर है, क्योंकि भिन्न के नीचे लिखा जा रहा है। अंश क्या होता है, अंश भिन्न का वह भाग होता है जो ऊपर लिखा जाता है, जैसे 4/9 में 4 अंश है, क्योंकि यह ऊपर लिखा जा रहा है। हर क्या होता है, हर भिन्न का वह हिस्सा होता है जो अंश के नीचे लिखा जाता है, जैसे 4/9 में 9 है। भिन्न संबंधी कुछ मुख्य अवधारणा है, इसे ध्यान से पढ़ना है, जहां न समझ में आए कमेंट करिएगा, पूछिएगा, हम आप जितनी बार पूछेंगे उतनी बार आपको बताएंगे, गलती मत करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, निःशुल्क क्लास है आप सभी के लिए। अगर आप इसकी नोट्स चाहिए, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर काले व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, सभी नोट्स 6 से 12 तक की पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी, और गणित की पूरी सीरीज भी आगे आपको मिल जाएगी ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के अन्य चैनल पर, इसे कहीं भी आप देख सकते हैं, आप भी इसे कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, एक भिन्न वह संख्या है जो एक संपूर्ण भाग निरूपित करती है, एक भिन्न वह संख्या है जो एक संपूर्ण भाग निरूपित करती है, यह संपूर्ण एक अकेली वस्तु या वस्तुओं का एक संग्रह हो सकता है। जैसे ऊपर मैंने बताया था, जैसे अगर यहाँ पर एक बॉक्स है, इसके यहाँ पर 3 हिस्से, एक को हमने कलर कर दिया, तो इसे हम लिखते हैं 1/3 के रूप में, तो वही कह रहा है, एक भिन्न वह संख्या है जो एक संपूर्ण का भाग निरूपित करता है, संपूर्ण का एक भाग निरूपित करता है, ये पूरे 1/3 क्या कर रहा है, निरूपित करने का काम कर रहा है। इसको हमने दो भाग को अगर कलर कर दिया, जैसे यहाँ पर है, इसके हमने 2 हिस्से को कलर कर दिया है, ये क्या हो जाएगा, 2/3, तो वही है। आगे अगर हम पढ़ेंगे, वह भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं, अन्यथा यह एक विषम या अनुचित भिन्न कहलाती। तो ही हमने देखा कि उचित भिन्न हमने आपको बता दिया और विषम भिन्न मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट ऊपर आपको समझ में आ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, उचित भिन्न वह है जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी भिन्न या वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, और हमेशा विषम भिन्न को ही मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है, यह याद रखिएगा, यह कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपको समझने में भी ये आगे काफी आसान होगा।
अब जैसे 3 से 5/7 एक मिश्र भिन्न है, 8 से 4/9 एक मिश्र भिन्न है, 2 से 5/8 ये एक पूर्णांक होगा और ये उचित गुण पूर्णांक, उचित गुण पूर्णांक, उचित भिन्न हो गया। ठीक है, तो यही मुझे समझाना था और आपने समझ लिया। संख्या मिश्रित भिन्न या कहलाती, मिश्रित भिन्न भी समझ में आ गया। एक विषम भिन्न को एक मिश्रित भिन्न में तथा एक मिश्रित भिन्न को एक विषम भिन्न में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी ऊपर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, एक दी हुई भिन्न के तुल्य भिन्न, उस भिन्न के अंश और हर को एक ही शून्यत्तर संख्या से गुणा करके या भाग करके हम प्राप्त कर सकते हैं। यह भी आप जानते रहिए, एक ही संख्या से गुणा करके या भाग करके, एक ही संख्या से हम उसके तुल्य या समतुल्य भिन्न को प्राप्त कर सकते हैं। हमने गुणा करके एग्जाम्पल दिया था, ये भाग करके भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, हम इसी के सेशन के साथ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी कोई दिक्कत होगी, यहां किसी कोई समस्या होगी, यहां किसी कोई कुछ भी हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। ये गणित है, जब तक आपका रुझान नहीं होगा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। आगे हम और एग्जांपल देके बताएंगे पूरी सीरीज, पहले इसकी थ्योरी समझाएंगे, फिर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन जो है उसको हम लेकर आएंगे। वह भिन्न जिसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अपने सरलता में न्यूनतम रूप पदों में व्यक्त भिन्न कही जाती है। मतलब वह भिन्न जिसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अपने सरलता में न्यूनतम रूप में पदों में व्यक्त की भिन्न कही जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें ये 9/6 लिख, इसे सरलता रूप में लिख सकते हैं, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 3/2, इसे 3/2 लिख सकते हैं। इसी भिन्न को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2, तो ये भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है सरलता रूप में लिखने का हम प्रयास करते हैं। समान हर वाली भिन्न समान भिन्न कहलाती है, असमान हर वाली भिन्न जो है असमान भिन्न कहलाती है, ये अपने नाम से ही स्पष्ट हो जा रही है। और समान हर वाली भिन्नों का जोड़ घटाना काफी आसान होता है, क्योंकि उसके हर का लस एलसीएम नहीं लेना होता है। ठीक है, भिन्नों की तुलना, अच्छा अगर छोटा बड़ा की बात करें, जब अंश जब हर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो भिन्न बड़ी होती है, जिस भिन्न का अंश छोटा हो भिन्न छोटी होती है। लेकिन उसके लिए ध्यान रखना चाहिए, हर बराबर हो तब, जब जिस भिन्नों के हर आपस में बराबर होते हैं, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है भिन्न बड़ी होती है, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है। आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे और दिखाएंगे भिन्नों की तुलना उसको समान भिन्नों में परिवर्तित करके या बदल करके की जा सकती है, और फिर उन्हें आरोही अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित किया जा सकता है। मतलब उनको समान भिन्नों की तुलना उनके समान भिन्नों में परिवर्तित करके बदल किया जा सकता है। मतलब अगर हम हर बराबर कर लेते हैं तो हम आरोही अवरोही क्रम में उसे सजा सकते हैं आसानी से, और सजाना आसान भी हो जाता है। अगला है, समान भिन्नों के अंशों को जोड़कर या घटाकर उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है, ये भी आपको आगे बताएंगे हम। असमान भिन्नों का जोड़ना या घटाना उन्हें समान भिन्नों बदलकर किया जाता है। समान भिन्न का मतलब जिसके हर आपस में बराबर से समान भिन्न कहते हैं, उनको जोड़ना घटाना बेहद आसान होता है। लेकिन जो असमान भिन्न, पहले उनके हर को बराबर करना होता है, हर को बराबर करने के लिए कई मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित विधि है वो है एलसीएम लेना। ठीक, गुणा मेथड से भी लोग करते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो सबसे प्रचलित विधि है। तो इस प्रकार यहाँ तक हम लोगों ने 10 पॉइंट में पढ़ लिया। जब हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ये थीरिया जो ऊपर लिखी थी वो आपको समझ में आ जाएंगी, आप चाहते हो इसके स्क्रीनशॉट रख लें। अब भिन्नों के प्रकार, संक्षिप्त भिन्न होती है जिसे हम छोटे में लिखने का प्रयास करते हैं, उचित भिन्न होती है जो मैंने आपको बता दिया, अनुचित भिन्न होती है। तो उचित भिन्न अनुचित भिन्न आप अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। ठीक है, जिसका अंश जो है छोटा होता है, एक का अंश बड़ा होता है, मिश्रित भिन्न मिश्र भिन्न व्युत्क्रम भिन्न माने उल्टा होता है, 1/5 का 5/1 हो जाएगा, दशमलव भिन्न जैसे 3.3 है इसे 3/10 भी लिख सकते हैं, सतत भिन्न जो आगे रूप से बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार इस पूरे तथ्य को हम लोगों ने समझ लिया। अब भिन्न फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वही जो डायग्राम मैंने ऊपर चित्र बनाई थी वही आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे कह रहे, जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें कुछ भाग लिखा जाए उसे हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम भिन्न कहते हैं। ये संख्या एक्स वाई के रूप में हो तो उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ एक हिस्सा कलर, इसे लिखेंगे 1/2। टोटल कितना हिस्सा था? 2। तो जो कुल हिस्सा होता है वो नीचे लिखा जाता है। इसमें देखिए 1/4, एक हिस्सा कलर है, 3 हिस्सा नहीं 4 हिस्सा नहीं। देखिए इसमें टोटल कितने हिस्से हैं, 1, 2, 3 और 4। इसको लिखने की बात करेंगे तो बटे हर जो होता है कुल संख्या जो होती है, कुल हिस्सा जो होता है वो हर में होता है, तो हो जाएगा 4/1। यहाँ पर देखिए 3 हिस्सों में एक हिस्सा कलर है, 1/3। यहाँ पर 3 हिस्सा कलर है, 3 लिखेंगे और टोटल हिस्सा कितना है, 4, तो 4 लिखेंगे। इस प्रकार हमने देखिए। अब हम देखेंगे विषम भिन्न, फिर से वापस आ रहा है विषम भिन्न जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये कह रहा है जब भिन्न किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। विषम भिन्न के अंशों का परम मान उनके हर के परम मान से ज्यादा होता है, इसे हम असमान भिन्न कहते हैं। तो विषम भिन्न को ही हम असमान भिन्न के नाम से भी जानते हैं। वैसे असमान भिन्न में आगे भी हम देखेंगे जिनके हर समान हो, जब कई भिन्न आपस में होता। अब जैसे यहाँ पर है 5/4, 9/7 में अंश हमेशा बड़ा होता है विषम भिन्न का।
मिश्रित भिन्न क्या होती है? ऐसा भिन्न जिसमें साधारण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण होता है उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं, और अनुचित भिन्न को हल करने पर मिश्रित भिन्न प्राप्त होता है। अनुचित जो भिन्न होती है उसे हल करने पर हमें मिश्रित भिन्न प्राप्त होता है। अनुचित भिन्न का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे है 8/3 है, अब इसे हम हल करेंगे तो 3 का पहाड़ 8 में पड़ेंगे, 3 × 2 = 6, 2 बचेगा तो हो जाएगा 8/3। इसे फिर से जैसे यहाँ पे कोई है 17/5 है, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, हर क्या होगा 5 × 15 = 17। इस प्रकार से हम इसे प्राप्त कर, अगर कोई संख्या ऐसे भी लिखी है जैसे मान लेते हैं हम 9 3/7, इसका मतलब क्या होगा? गुणा करेंगे इसको, इस तरह से हम लिख सकते हैं, देखिएगा इसे हम फिर से वापस भिन्न में ला सकते हैं, 7 का गुणा हम 9 में करेंगे प्लस 3 को जोड़ देंगे बटे हर 7 में, तब ये क्या हो जाएगा 9 से 63 66/7, ये हो जाएगा 66/7। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस भिन्न को इस तरह से भी प्राप्त कर सकते हैं वापस, और एक मिश्र भिन्न से हम विषम भिन्न की तरफ भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पे समझाने का बताने का प्रयास किया गया। आगे है यहाँ आदितुल्य भिन्न भी है, 1/1 = 1/4, 3/2 आदितुल्य भिन्न, किसी भिन्न के अंश और हर समान संख्या से गुणा करके हम समतुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। इसे 1/2, 2/4, 3/6 गुणा करें या भाग करके हम समतुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। भिन्नों का योग, भिन्नों का योग कैसे ज्ञात करते हैं? 1/4 में अगर 1/4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वही है, अगर 1/4 में 1/4 जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा 1/4 में हम अगर 1/4 जोड़े हर आपस में बराबर, यहाँ लिखेंगे हर एक, फिर यहाँ पर हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2/4, इसे डिवाइड करेंगे तो अगर हम यहाँ पर तो 1/2, वही कह रहा है 1/4 1/4 को हमने जोड़ दिया, 1/4 1/4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये खाना बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/4, मैंने 1/4 1/4 जोड़ दे रहे हैं तो बन जाएगा हमारा 1/2 2/4 हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर देखिए यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है, कह रहा है कि अगर दी गई भिन्नों के हर समान हो तो हम समान हर रखकर दोनों अंशों को जोड़ देंगे एवं भिन्नों को सरल कर लेंगे। सरल करने का मतलब लास्ट में न्यूनतम संख्या की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हुए आपके साथ क्रमवार रूप से चलेंगे। लेकिन अगर दोनों भिन्न के हर अलग अलग हों तो भिन्नों का योग करने के लिए हमें सबसे पहले दोनों या तीनों भिन्नों के हर को समान करना पड़ेगा। उदाहरण, एक चाय की दुकान वाली अपनी दुकान पर सुबह 2 से 1/2 लीटर दूध और शाम को 1 से 1/2 लीटर दूध का प्रयोग चाय बना करता है, अपनी दुकान पर कुल दिन में कितना दूध का प्रयोग करता है, ये क्या हो जाएगा? सुबह 2.5 लीटर फिर 1.5 लीटर, 2.5 और 2 की बात करेंगे 2 = 3 लीटर, 3 = 4 लीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करना हूं आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने और आपने देखा इसे 1/3 1/3 को जोड़ा 2/3 आ गया, 1/3 है, इसको हम लिख सकते हैं ना 1/3 हो गया, ये भी 1/3 है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा हर आपस में बराबर, हर लिख लिया और ऊपर 1 + 1, जोड़ घटाओ आसानी से कर सकते हैं जब हर आपका बराबर हो 2/3, ऊपर यहाँ भिन्न में भी आप देख पा रहे होंगे 2/3 है। यहाँ तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम इसी के साथ इस सीरीज में और आगे बढ़ें, आप भी हमारे साथ बढ़ते रहिए। हाँ, बहुत ही बढ़िया है, गणित आपको समझ में नहीं आ रहा है, बेसिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं तो सीरीज आपके बहुत काम आएगी। ऊपर उदाहरण से एक दिन में दूध वाले प्रयोग देखिए यहाँ पे, अब इसको कैसे हम दूध वाले का कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 × 4 इसको जोड़ेंगे तो 2 × 4 और 1 = 5 5/2 इसको गुणा करेंगे 2 × 1 = 2 ऊपर वाले के जोड़ेंगे 2 × 1 = 3/2 हर बराबर हो गया तो हर लिखेंगे 2 फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 + 3 इसे लिखेंगे 8/2 फिर 2 × 1 = 2 2 × 4 = 8 4/1 किसी भिन्न का हर अगर एक है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं 4 किसी भिन्न का हर हमेशा एक माना जाता है कोई संख्या जैसे हमने लिख दिया 16 इसको हम लिख सकते हैं 16/1 माने कोई भी भिन्न हो उसका हर एक लिखा जा सकता है या एक माना जाता है ठीक यहाँ तक हम लगता है आपको समझ में आ गया होगा अतः हम कह सकते हैं दोनों प्रयुक्त होने वाले दूध को मात्रा कितनी थी 4 लीटर थी भिन्नों को व्याकलन माने घटाना सेम प्रक्रिया जैसे हम जोड़ते हैं वैसे घटाते हैं जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 4/7 है -3/7 हर आपस में बराबर 7 लिख देंगे अंश में जो चिन्ह है वो बीच में रख देंगे ये क्या हो जाएगा 1/7 जो चिन्ह है उसका प्रयोग ज्यों का त्यों करेंगे और ठीक ये हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो आपके मन में कोई प्रश्न हो कोई सवाल हो कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे देखेंगे अगर दी गई भिन्नों के हर समान है तो हम समान हर रखकर दोनों अंशों को घटा देंगे और भिन्न को सरल कर लेंगे लेकिन अगर दोनों भिन्नों के हर अलग अलग हैं तो भिन्नों घटाने के लिए हमें सबसे पहले दोनों भिन्नों का हर को बराबर करना होगा
डिनोमिनेटर को बराबर करना होगा, या तो हम उसको एलसीएम विधि का प्रयोग करें या यहाँ पर जो हम त्रिक गुणा होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 5/7 है, 2/5 है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम इसकी 2-3 विधि है, 5/7 में से क्या घटाना है, हमें 2/5 घटाना है। अगर हम इसकी त्रिक गुणा करेंगे तो देखिए, इसको पहले सॉल्व करने के मैं समझा दूं, नहीं तो कहेंगे सर त्रिक गुणा कहाँ से आ गया, 5/7 - 2/5। तो हम आपको जो मेथड समझाएंगे उसी पे हम लोग काम करेंगे। हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम अच्छा जो त्रिक गुणा होता है इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। जैसे यहाँ पर है ए बी है -c/d, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, त्रिक का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ad माइनस bc बटे क्या हो जाएगा bd। यहाँ पे ये क्या है, गुणे का चिन्ह है बीच में, तो हो जाएगा हमारा 5/5। जब हम लिखेंगे 5/5 माइनस चिन्ह है, 7/2 नीचे क्या लिखेंगे 7/5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 5 × 25 - 7 × 2 = 14 बटे क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35। 25 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 11/35। इस प्रकार से हमें इस भिन्न का आंसर मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ऐसा हम लोग इसको समझ सकते हैं और आप भी इसको समझे। निम्नलिखित में क्या गलती है, यहाँ पे देखिए 7/4 है, 5/2, यहाँ पे 4 + 2 जोड़ दिया गया। यहाँ पे देखिए हर क्या है, समान नहीं है। जब हर समान नहीं है, सबसे पहले हमें हर को समान करना पड़ेगा, तब जाकर हम प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो हमें गलती पकड़ में आई है वो यही गलती पकड़ में आ रही है, ठीक है, यहाँ पर यही गलती है। 7/4 को अगर हमें जोड़ना है, 7/4 + 5/2 को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिक का गुणा मेथड यूज करना है, त्रिक गुणा मेथड यूज करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7/2 + 4/5। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, 7/2 करिए चाहे 2/7 करिए, 4/5 करिए चाहे 5/4 करिए, यहाँ पे 4/2, 7 × 2 = 14 + 4 = 20 बटे 4 × 8, तो 14 और 20 अगर हम बात करेंगे तो 34/8 हो जाएगा। यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा वो 34/8 होगा, ठीक है। सही है ना, उसको काट के छोटा भी किया जा सकता है, 2 से काटेंगे तो 17/4 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको लोग को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत को सवाल हो तो पूछ सकता है। वैसे इसका एलसीएम मेथड हम लोग यूज करेंगे, आगे आपको हम समझाएंगे। देखिए क्यों गलत है, यहां पर समझाया गया केवल अंशों को ही जोड़ा जाता है, जब भिन्न सम के हर बराबर हो तब अंशों को जोड़ा घटा जाता है। भिन्नों को गुणा कैसे करते हैं ये भी देख लीजिएगा, गुणा करने की मेथड यहाँ पे, जैसे अंश का अंश में हर का हर में गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 4/3 × 3/5, अंश का गुणा अंश में करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, माने 4/3 × 3/5 माने 4 × 3 = 12/18। यूं भी कर सकते हैं गुणा, जैसे 7/4 × 3/2 × 1/5 ऐसे ही है, तो ऊपर गुणा ऊपर कर सकते हैं, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 = 40 हो जाएगा। तो जितनी भी भिन्न चाहे जितनी भी बड़ी हो, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करते हुए आगे बढ़ जाइए, इस प्रकार हम भिन्नों का गुणा कर पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1/1 से 1/2 है, 4 से 1/7 है, तो क्या करेंगे इसको पहले क्या करेंगे, सरल रूप में कैसे लिखते हैं यहाँ पे, तो उस मिश्र भिन्न को हम कैसे एक भिन्न के रूप में बदलें वो मैंने ऊपर समझा दिया। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 9 = 3/5, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ हर हमेशा 5 होगा, तो 5 × 9 में कर दिया यहाँ पे 5/9 प्लस अंश को जोड़ा जाता है और बटे 5, तो 9 × 5 = 45 और 3 = 48/5 एक भिन्न के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और फिर गुणा कैसे करते हैं, चाहे कोई भी भिन्नों से गुणा करना, हम वाकई जब इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो हम आपको और अच्छे से समझा देंगे कि इसका गुणा कैसे किया जाता है, कैसे इसको जोड़ते हैं, कैसे इसको समझाते हैं। लेकिन आप लोग हर वीडियो में बने रहना होगा ताकि हम हर एक वीडियो जब लेकर आए तो आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। देखिए मिश्रित भिन्नों को मिश्रित भिन्न और पूर्णांक से गुणा करना आसान होता है, मिश्रित भिन्नों या पूर्णांक को अनुचित इम्प्रॉपर भिन्न में बदलने शुरुआत कर दीजिए। एक मिश्रित भिन्न है तो उसे भिन्न में बदल लीजिए, फिर उसका गुणा करिए, भाग करिए, चाहे जोड़ करिए, चाहे घटाना करिए, सबसे पहले में उसे भिन्न में ही बदलना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा
गुणा करिए डिनोमिनेटर को, गुणा करो परिणाम सरलीकरण में सिंप्लीफाई कर। चलिए मिश्रित भिन्नों को मिश्रित भिन्न से गुणा करना, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलिए, फिर उसके बाद मिश्रित भिन्न को बदलने के लिए डिनोमिनेटर का एक पूर्ण संख्या हम गुणा करिए। देखिए ऊपर सीधा सीधा मैं जो समझाया हूं उसी को समझिएगा, जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ पे बताया, इसको चाहे गुणा करिए चाहे भाग करना आप कर सकते हैं। अनुचित भिन्न को डिनोमिनेटर गुणा करें, अब ये भी वही है कि जैसा भी आया अंश में हर में गुणा करते चलिए और आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ से चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे जो भी आ सकता। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने भाग के लिए अगर हम पढ़े तो देखिए भाग को भी समझ लेते हैं। अगर भाग हमें करना है, भाग में क्या होता है, दाया हिस्सा जो होता है वो बदल जाता है। देखिए भिन्न का भाग यहाँ पे नहीं समझाया जा रहा, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मैं इसका एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ ताकि आपको चीजें समझाना मेरे लिए बेहद आसान हो जाए, ठीक है, और आप लोग भी तथ्य को जब समझ लेंगे तो मुझे चीजें और अच्छे से बतानी आसान हो जाएगी। अब जैसे अगर हमें भिन्न का भाग करना, जैसे यहाँ पे है 4/7 भागे 3/2 है, तो जो इसके दायां हिस्सा होता है, ये भाग का चिन्ह है, ये देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये भाग है। इसको सॉल्व करने का जो तरीका, हमें बाया हिस्सा 4/7 लिखेंगे, ये बदल जाएगा गुणे में, जब गुणे में बदलेगा तो 3/2 जो है इसे 2/3 में ले लेंगे। अंश गुणा अंश में करना होगा, अभी हो जाएगा 4/2/7/3, ये हो जाएगा 4×8/21, तो ये हो गया भाग हमने कर। इसे दूसरा तरीका हम ऐसे लिखते हैं, ये हो जाता है 4/3 पूरे का 3/2, जब इसे भिन्न में बदलते हैं तो हो जाएगा 4/3 × ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2/3, इस प्रकार हम इसे गुणा के रूप में करते हैं। अब इसे आसानी से समझ गए होंगे इसे सॉल्व कैसे करना है, किस तरह से भाग करना है। कई बार अब मैं भाग समझा रहा हूँ, गुणा भी आप अपने आप से एक एक क्रम रूप से समझ जाएंगे। समझने का मतलब ये है कि जैसे 3 से ही 1/6 है भागे हैं 2/5, यही है। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ 6×3=18 जगह गुणा होता है, ये जोड़ता है 6×18=19/6 भाग है, गुणे बदल जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा 5/2 19/95 6×12 ऐसे लेंगे। अगर छोटा और है काट के छोटा कर लेंगे। अब ये फिर से भिन्न में बदल गया, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, तो 12×7=84 7 बार गया, 12×7=84 11/12 ये इसका प्रॉपर क्या हो गया आंसर मिल गया। इस तरह से हमने देखा कि हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा भी हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है 4/3 है डिवाइडेड बाई 1/5 है, ये भी हो जाएगा 4/3 ज्यों का त्यों लिख देते हैं, फिर गुणे 5×1=5। देखिए पहले मैं भाग में ही जाएगा, ये 5×5=6/5 है, अभी क्या हो जाएगा ये 4/3 जैसे रहेगा गुणे हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4×5=20/18। काट के छोटा कर सकते हैं, भी छोटा कर लीजिएगा, डिवाइड होगा तो छोटा कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 10/9 हो जाएगा। इस प्रकार यही वो भिन्न जो है वो समझाने का प्रयास कर रहा था। हमेशा पलट देते हैं और अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, भिन्न जो होता है भिन्नों का भाग वो अंश में वो गुणे में बदल जाते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया हो तो। पांच से ही देखिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 5/3/4 है तो यहाँ पे हो जाएगा, जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा हम 1 मानते हैं, फिर डिवाइड को गुणे कर देंगे, ये 4/3 हो जाएगा, फिर 4×5=20/3 इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 में, 3×6=18 2 से बचेगा/3 6 से ही 2/3 यही आगे आपको मिलने वाला है, ठीक है। मान लीजिए इसका उल्टा भी हो सकता था, जैसे यहाँ पे 7/9 है भागे 3 कर दिया जाए, या 3 क्या हम यूं कर सकते हैं 5। अब क्या करेंगे कि हो जाएगा 7/9 ये भागे ही है 5/1 जिसका हर कुछ नहीं होता उसका एक माना जाता है, ये क्या होता है एक उसका हर माना जाता। अब हम क्या करेंगे, अब हो जाएगा 7/9 गुणे हो जाएगा 1/5, तो 7×1=7 9×5=45 तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। आगे चलते हैं, ये पूरा एनसीईआरटी का डेटा है, इस प्रकार एनसीईआरटी का जो सीरीज था वो हमने यहाँ पे पढ़ा दिया, जो भिन्न का अध्याय था
और इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। इसका सलूशन हम आपके लिए लेकर आएंगे, जब हम इसके प्रश्नों को सब पढ़ाएंगे तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अंश क्या था, हर क्या था, अंशों का हर कैसे जोड़ते हैं, अंश को हर बराबर कैसे करते हैं, मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आज के सीरीज में हमने पढ़ लिया और समझ लिया। वैसे आप लगातार सीरीज में बने हैं तो धन्यवाद आपका। इस वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा। ये निःशुल्क क्लास मेरे द्वारा आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में उपलब्ध रहती है, और आप सभी लोग नोट्स संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जोड़ सकते हैं। और आप डेली क्लास अगर चाहिए तब दुर्गेश सर सर्च करिएगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सभी क्लासेस के लिंक नोट्स और वीडियो आपको मिलती रहती है। साथ ही साथ आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे 6 से 12 तक की सभी पूरी एनसीईआरटी के नोट्स आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी गणित समेत सभी विषयों की आप डाउनलोड करके उन सभी एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए काफी मददगार हो सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल यह सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए फिर और जो अगला अध्याय होगा उससे हम पढ़ेंगे, क्योंकि अध्याय जो है दूसरे सिक्वेंस में, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक तरह से पढ़ा रहा हूँ, पहले अंग्रेजी पढ़ा लूंगा फिर अलजेब्रा फिर ज्योमेट्री, ताकि आपको समझना और समझाना मेरे लिए दोनों के लिए समझदारी भरा हो और आपको समझ भी है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए कुछ चीजें आपको ऊपर जा रही है कुछ नीचे आ रही होंगी, लेकिन जब गणित के सेशन शुरू करेंगे हम आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप बताते हुए आगे चलेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको उस लेवल की गणित है जिस लेवल की सीरीज को हम लोग पढ़ रहे थे। उम्मीद करते सीरीज ये सेशन आपको समझ में आ गया। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल हो ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, वैसे आप मेरी भी आईडी फॉलो कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी, लेकिन वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिना एनसीईआरटी का आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ते हुए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।